हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। ये वीडियो जो है बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी की कट ऑफ के बारे में होने वाली है। चाहे वो मैथमेटिक्स ग्रुप हो या बायो ग्रुप हो, दोनों की कट ऑफ के बारे में अपन बात करेंगे और राउंड टू में कितनी कट ऑफ कम होगी ये भी अपन देखेंगे। क्योंकि पहले राउंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है हर सब्जेक्ट की, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये बायो में अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। मैथ की कम गई है क्योंकि मैथ का ही पेपर जो है काफ़ी टफ आया था, या टफ अगर ना बोलें तो लेंदी था, ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो इस वीडियो में अपन एकदम डिटेल में बात करेंगे और ये भी स्कोप की थोड़ी बात करेंगे कि मैथ वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज क्यों रहता है जियोलॉजी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो जैसा कि बात करें अपन बायो ग्रुप की, तो बायो ग्रुप की कट ऑफ आप जनरल की देख सकते हैं, MMV में 458 है और FMC में 475। इसी तरह से आपकी OBC की 420 है और EWS की 438 और SC की 350 और ST की 290, ठीक है। वहीं पे MMV की बात करें तो आपकी OBC में 410, EWS की 411, SC की 325 और ST की 270। अब ये जो आपको कट ऑफ देखने को मिल रही है ये गिरेगी, कितना गिरोगी मैं आपको बताऊं, ये मिनिमम जो है, क्योंकि 8 राउंड होते हैं BHU में, 7 से 8 राउंड होंगे, ठीक है। वो डिपेंड करेगा सीट कैसे क्या फिल हो रही है, ठीक है। तो ये आपकी जो जनरल की कट ऑफ है ये आपकी 420 415 तक जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके 420 या 415 तक मार्क्स हैं या 410 प्लस हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं सेफ़ हैं। और अगर आपको जियोलॉजी नहीं मिलता है तो केमिस्ट्री ऑनर्स ज़रूर मिल जाएगा 410 तक। पहले राउंड की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों जाती है मैं आपको बताऊं, क्योंकि DO और BHU के जो दोनों स्टूडेंट हैं वो बेसिकली यार सीट जो है दोनों ही जगह बुक कर लेते हैं। और ये जो क्राउड है आपका ये थर्ड राउंड के बाद, तो बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। जिनको तीन, जिनके मार्क्स थोड़े कम हैं, 420 हैं, जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी तो अलॉट हो जाएंगे। और जनरल की बेसिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो जनरल में अगर आपके 415 या 410 तक भी हैं तो आपको केमिस्ट्री ऑनर्स लास्ट में ज़रूर अलॉट हो जाता है। केमिस्ट्री ऑनर्स की ही सबसे कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। ये पता नहीं कैसा नियम है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि केमिस्ट्री इतना अच्छा जो सब्जेक्ट है उसको क्यों लोग प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जियोलॉजी और बायो वालों के लिए थोड़ा सा कम एडवांटेज है रेदर देन मैथ्स। मैथ्स की भी कट ऑफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैथ के बारे में अगर अपन बात करें तो मेन कैंपस में 346 और OBC में 337 और EWS की बात करें तो 328 और SC की 210 और ST की 203। वहीं MMV में बात करें तो 330 आपकी जनरल की, और OBC की बात करें तो आपकी 335, EWS की बात करें तो 313 और SC की बात करें तो 234। और ST का कोई भी स्टूडेंट MMV में सीट नहीं लिया है। ST के जितने भी होते हैं यार मुझे लग रहा है मैक्सिमम का हो ही जाता है एडमिशन, ठीक है। तो मैथ की कट ऑफ कम गई क्योंकि वहाँ पे मैथ होता है। और यह बायो का पेपर इस बार भी इजी था, बायो में अच्छे खासे लोगों ने 200 में 200 लोग लाए हैं, तो उस वजह से यार ये कट ऑफ इतनी ज़्यादा गई है बायो की। और मैं आपको बता दूं, जिनको भी बॉटनी और जूलॉजी ऑनर्स चाहिए उनका 440 के नीचे नहीं होने वाला है। बाकी हाँ, अगर आपको एट दी एंड सीट चाहिए तो आपको 415 या 410 तक आपको मिल जाएगी सीट। और मैं बात करूँ जो, जिसे आपने अगर BSc जियोलॉजी मैथमेटिक्स है आपका, मैथमेटिक्स है मान लो, तो आगे आप क्या है MSc जब करोगे तो एक जियो फिजिक्स ब्रांच होती है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोप होता है जियोलॉजी वालों का। वहीं पे यार अगर आप MSc जियोलॉजी करते हो और आप बायो ग्रुप से हो तो उतना एडवांटेज आपको नहीं मिलता है। तो ये है डिफरेंस, क्योंकि जो जियो फिजिक्स है उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर थोड़ी डिफर कर जाती है। तो यहाँ पर मैथ वालों के लिए थोड़ा एडवांटेज रहता है जो भी BSc जियोलॉजी करते हैं। और जियोलॉजी में मुझे लग रहा है एक ही कॉम्बिनेशन है आपका, फिजिक्स और मैथमेटिक्स और जियोलॉजी, और वही सेम आपका जियो फिजिक्स में जियोलॉजी और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन ही होता है, तो पढ़ने में भी थोड़ा इजी रहता है। तो जो भी बच्चे मैथमेटिक्स करते हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज रहता है क्योंकि बायो वालों को थोड़ा प्रेफरेंस वहाँ पे कम दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी आपको कोर्स चुनना है बहुत ही सोच समझ के चुनिएगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट में बताइए कौन सा कोर्स आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए जरूर बताइएगा। सो थैंक यू गाइज।